हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। बस पूछना चाहता हूं, क्या आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट नेगेटिव आया है? जैसी कोई चीज का रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, तो इंसान के दिमाग में अपने खुद के लिए बहुत सारी चीजें नेगेटिव आती है, नेगेटिव थॉट्स निर्माण होते हैं और इंसान अपने आप को इनफीरियर समझने लगता है और ये बहुत स्वाभाविक भी है। आपने ये भी देखा होगा कि इसी अटेम्प्ट में आपके कुछ मित्र, आपके कुछ रिलेटिव्स वो पास हुए। आज दुख इस बात का है कि आखिर मैं कैसे फेल हो गए, ऐसा मैंने क्या नहीं किया, ऐसा उन्होंने क्या किया, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप अपने आप को ब्लेम करें, इससे पहले आप अपने बारे में और नेगेटिव सोचें, इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट दे हैव डन, वॉट यू हैव नॉट डन। जो लोगों ने 300 से ज्यादा का स्कोर किया है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया और हमने ऐसा क्या नहीं किया। हम लोगों ने जब अपनी टेस्ट लिखी थी, ऐसा अगर हम लोग क्या नहीं लिखते हैं जो रैंकर्स अपने पेपर में लिखते हैं, उस बात को जाने बगैर वापस से पढ़ाई स्टार्ट करना, मुझे लगता है वापस आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इंसान हमेशा इस गलत फहमी में जीता है कि मैं जैसे पढ़ाई करता हूं वो दुनिया का बेस्ट तरीका है पढ़ने का, ये उसकी गलत फहमी होती है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है इस समय वापस से फिर से लड़ने का। हमने एग्जामिनेशन का रिजल्ट नेगेटिव देखा है, पर हम लोग जिंदगी को पॉजिटिव बना सकते हैं। हम एग्जामिनेशन में हारे तो क्या हुआ, हम लोग जिंदगी में जीत सकते हैं। मैं आपके सामने, आपको लगता होगा कि मैंने जिंदगी में कभी एग्जामिनेशन में फेलियर नहीं देखा, आपको कह देना चाहता हूं फाउंडेशन में भी मैं फेल था, इंटरमीडिएट में भी मैं फेल हुआ था, फिर बावजूद उसके आप जानते हो आज मैंने अपने करियर को सफल बनाया हुआ है। दोस्तों, फेल हुए इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा नेगेटिव वे में ही होना चाहिए। हर फेलियर भी आपको कुछ पॉजिटिविटी देकर जाता है, वो फेलियर से कुछ सीखने की कोशिश करेगा। वो देखिए, उस फेलियर को पेन डाउन करिए, लिखिए कि आखिर क्या हुआ था, क्या मैंने नहीं किया जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। वापस उन्हीं तरीकों को एज इट इज फॉलो करना, वापस एक बार फेल होना ये मैं नहीं चाहता। आपकी पढ़ाई 4 दिन लेट चलोगी परवाह नहीं, पर आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का एनालिसिस करना होगा, आपको डिटेल में समझना होगा कि आखिर वो कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा चैप्टर है और क्या मेरे पेपर लिखने के तरीके हैं, मेरे थ्योरी पढ़ने के तरीके हैं, क्या मेरे पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल है और क्या मेरा एग्जामिनेशन के पहले दिन वाला जो मेरा पढ़ने का पैटर्न है। इन सब चीजों को मुझे वापस से गहराई से सोचना पड़ेगा। मुझे हर वो चीज, हर वो सब्जेक्ट के, हर कोई एग्जामिनेशन के पेपर के बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्या डिमांड करती है और मैं कैसे लिखता हूं। हर चीज को डिटेल में समझिए, उसके बाद में वापस से पढ़ाई चालू करिए। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस बार आप अच्छी पारी खेल लोगे ना, अगर आप 12 से 13 घंटे पढ़ाई वो भी स्मार्ट तरीके से कर लोगे ना, तो आईसीआई क्या, भगवान भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता। पर आप फेल हो जाओगे वापस से, ये बात जरूर है, श्योर शॉट आप फेल हो जाओगे अगर आप वही तरीकों को अपनाओगे, आपने आप में बदलाव नहीं लाओगे, वही तरीके से, वही पैटर्न से, वही मेथोडोलॉजी से पढ़ाई करोगे, ये बहुत बड़ी भूल होगी। कल हमने जो एक वीडियो भी अपलोड किया था यूट्यूब पर, जहां पे हम लोग इस बार के ऑल इंडिया रैंकर्स जो सीए फाउंडेशन में आए हुए, उनसे हमने बात की, उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। ऐसे वीडियोस को देखे बिफोर यू स्टार्ट द स्टडीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हताश निराश होने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ दर्द ही मिलेगा। और दोस्तों, ऐसा हुआ ही क्या है यार, 6 महीने अगर आप एग्जामिनेशन में लेट पास हो जाओगे तो आपका बिगड़ क्या जाएगा, इट इज ओके यार। और वैसे भी सीए एग्जामिनेशन अपियर करने से पहले या सीए को रजिस्टर करने से पहले ही आप सभी को पता था कि आप दुनिया का, आई मीन इंडिया का, आप वन ऑफ दी डिफिकल्ट कोर्स करने जा रहे हो। तो ये तो ये कोई बीकॉम की एग्जामिनेशन नहीं है, यू न्यू इट, तो चलो ठीक है, इट इज पार्ट एंड पार्सल। पर ये चीज नॉर्मल है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, ये चीज एबनॉर्मल हो जाती है जब आप सेकेंड अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं। आप इस बात को ध्यान से सुनेगा, बिकॉज वापस से आप वही लोग फेल हो जाएंगे जो अपनी गलतियों से सुधरेंगे नहीं,
आपको अपने गलतियों से सुधरना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में, कोई विषय में आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, तो आपने उस सब्जेक्ट की कोचिंग लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको पूरा थरली, आपने जहां भी पढ़ा था, जैसे भी पढ़ा था, आपकी कंसेप्ट्स उतने क्लियर नहीं, आप सिर्फ रट्टा मार के आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरा आपसे सुझाव होगा कि दोस्तों ऐसे पास नहीं हो सकते विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स। कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद में उस विषय को याद करना अलग बात है। योर फोकस शुड बी ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड ओनली कॉन्सेप्ट दोस्तों। इसीलिए अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं अभी भी कसर आपके कॉन्सेप्ट में बाकी है, मुझे बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, तो मैंने कहा इस वीडियो द्वारा मैं सभी को एक साथ में जवाब देना चाहता हूं। कंसेप्ट्स की प्रॉब्लम है ना भाई, तो हमारे पास आपके लिए चार सॉल्यूशन है। एक फास्ट ट्रैक बैच पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में मिलता है, 300 घंटे में कोर्स खत्म होता है, जिसमें सिर्फ कंसेप्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं। आपको लगता नहीं फास्ट ट्रैक इतना फास्ट मुझे नहीं पढ़ना है, भले ही फास्ट ट्रैक में 100% कवर किया जाता है सिलेबस, पर थोड़ा स्पीड रफ्तार थोड़ी ज्यादा होती है, आपको डिटेल में पढ़ना है, तो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव जो है वो फुल कोर्स की तो अवेलेबल ही है। तीसरी बात, कुछ लोगों ने कहा सर अब अकेले में नहीं पढ़ना होता, ये ऑनलाइन नहीं चाहिए, मैं फेस टू फेस आना चाहता हूं, तो दोस्तों हम आपको वायदा करते हैं 60% पोर्शन आपका फेस टू फेस में चालू होगा। आपको यहां पे आना है 15 से 17, जब भी आप जल्दी आ सकते हो आपको आना है। 60% पोर्शन आपका फेस टू फेस में होगा, 40% रिकॉर्डेड दिया जाएगा। या फिर आपके इसमें और एक ऑप्शन है, अगर आप फेस टू फेस यहां पे आना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो 60% पोर्शन आप लाइव स्ट्रीमिंग में कर सकते हो, जहां पे फैकल्टीज रोजाना आपको पढ़ाएंगे, वो फेस टू फेस बैच का ही लाइव स्ट्रीमिंग चलाया जाता है, और 40% सिलेबस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा। ये बस उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स नहीं है, या फिर उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि मैं हमेशा पढ़ता बहुत हूं पर पता नहीं मार्क्स कम क्यों आ जाते हैं। तो दोस्तों पढ़ते बहुत है और मार्क्स कम आते हैं, इसका मतलब यही ना कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, यानी कि आपका पढ़ने का तरीका, यानी कि आपको दोस्तों एक अटेम्प्ट फेल होने का जो खर्चा है ना, इट इज नॉट इवन लेस देन 5 लाख रुपए, क्योंकि आप उतने लेट सीए पास होते, आपका जॉब उतना लेट लगता है। इसलिए दोस्तों आपको इस बार ना कि सिर्फ पैसों की फिक्र करना चाहिए बट टाइम की भी करना चाहिए, बिकॉज टाइम हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। आपका एक एक दिन आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग अपने आप का एनालिसिस करें, आप देखें, अपने आप को समझें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उन सब चीजों को समझ के लीजिए, उसके बाद में पढ़ाई का प्लान चालू करें, उसके बाद में निर्णय लीजिए क्लासेस लेना है नहीं लेना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट द स्टडीज। अभी भी वक्त गया नहीं है, 90 दिन का वक्त आपके पास में है। अगर आप अच्छे तरीके से 12 से 14 आवर्स अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ लें, जहां पे आपकी हर सब्जेक्ट की कम से कम 5 बार रिवीजन हो जाए, सो दोस्तों पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आई होप आपको यह सुनकर एक आपके दिल में पॉजिटिविटी आई होगी, और दोस्तों आपके सामने जो इंसान बैठा है वो भी अपने एग्जामिनेशन में फेल होकर भी जिंदगी में सफल बना है, वो आपके लिए आराम से मुमकिन है। डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट यू हैव लॉस्ट, थिंक अबाउट व्हाट यू विल बी एबल टू अचीव। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बताना ये भी चाहता हूं कि अगर आपने कोई डॉक्टर से अगर आपकी मुलाकात हुई होगी, कोई एमबीबीएस एमडी करते हैं तो किसी एमडी को देखा होगा, तो उसको पूछिए भाई साहब आपका एमडी कौन से उम्र में कंप्लीट हुआ था, और एज विल नॉट बी लेस देन 32। ये लोग 30-32 साल में एमडी बनते हैं, उसके बाद में ये लोग हॉस्पिटल डालते हैं, हॉस्पिटल चालू होने तक इनकी उम्र 35 की हो जाती है। दोस्तों आपकी उम्र 20 साल है, बहुत से बहुत 3 साल में 4 साल में 5 साल में 20 साल में, ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि आप तो फाउंडेशन है ना, आपकी उम्र 18 साल है। 23 साल की उम्र में कितना भी अगर आप एक दो बार भी फेल अगर हो जाते हो, यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 23, यानी कि दुनिया से आप बहुत फास्ट हो, यू आर हैविंग अ प्रोफेशनल डिग्री ओनली एट द एज ऑफ 23। सो दोस्तों आपका कोर्स बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है, इतनी कम उम्र में आपको इतनी नॉलेज देता है, और साथ साथ में आपको अच्छी जॉब दिलाता है, अच्छा करियर देता है। आप जानते हो सीए जैसा कोई करियर इस समय कॉमर्स के अंदर हम लोग जब देखते हैं, सीए सीएस सीडब्ल्यू, ये सारा वो लेवल का कोर्स है। आप सभी जानते हो यहां पे आपको अच्छा करियर, अच्छा नौकरी मिलता है, अच्छा करियर बनाने का मौका मिलता है। सो इस करियर के बारे में, सी एज अ करियर, इसके चरित्र पर कोई भी दाग नहीं है। इट इज एन अमेजिंग कोर्स, आपको सिर्फ अपने पढ़ाई करने के तरीकों को चेंज करना होगा। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है, हम आपके लिए हमेशा
उपलब्ध है। दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करेगा कि क्या आपको ये वीडियो से क्या CA फाउंडेशन के बारे में पॉजिटिविटी मिली है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। इन केस अगर आपको यू वांट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड आफ्टर लिस्निंग टू दिस वीडियो, तो आपको एक लिंक दिया जाएगा इसके कमेंट बॉक्स में, इसको पिन किया जाएगा, आप उसको क्लिक करें। आवर टीम विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, राइट गाइस? थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।